ये इंडियन रेलवे के तहत मान्यता प्राप्त ये डेस्क बनाया गया है। अगर आपको इलेक्ट्रिक बाइक लेनी है तो आप इलेक्ट्रिक बाइक ले सकते हैं, तो खुद गाड़ियों को रेंट पर लीजिए और खुद ड्राइव भी करिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और फिर से आपका दोस्त साहब आपके साथ है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छा हूँ। दो दो दिन तीन दिन पर ब्लॉग आ रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। हर ब्लॉग में माफी मांगते हैं बंदा। तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी सुबह सुबह 8 बज रहे हैं और अभी से ये ठप 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 की जो आवाज़ है ना, वो हमें परेशान करना शुरू कर चुकी है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप तक शेयर करनी है, और वो चीज़ इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना क्योंकि वो हमसे जुड़ी है। तो उसके लिए हमें पहले चलना होगा पटना जंक्शन। अब पटना जंक्शन पर क्या होने वाला है वो तो पटना जंक्शन पहुंच के ही पता चलेगा। और ये देखो इनके पास क्या है, इनके पास है एक बड़ा सा टेडी। और ये टेडी किसके लिए आया है ये शहनाज के ब्लॉग में आप लोग देख रहे हैं, शहनाज लाइफस्टाइल। और जब आप लोग मेरे ब्लॉग में, अगर आप लोग को देखना है कि टेडी किसके लिए है, इसके साथ और भी बहुत कुछ है, लेकिन उसके लिए आपको मेरे ब्लॉग का वेट करना पड़ेगा। ये देखो हमें ड्रॉइंग, हम लोगों ने टेडी का नाम क्या रखा है, क्या रखा है? बोगी। नाम भी सोच लिया अभी? तो इसका नाम है बोगी। किसने रखा ये नाम? तो कोई सबका नामकरण करता रहता है। और हाँ, मेरे लास्ट वीडियो में मैंने हीरो मोटोकॉप्स के हुनर के हीरो के बारे में आपसे बताया। तो जो मटर गश्ती है ना, यानी कि जो व्यूवर्स हैं, वो प्लीज कमेंट करके बताइए कि कितने लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और कैंपेन के बारे में पूरा जानिए। फिर चलिए निकलते हैं पटना जंक्शन के लिए। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं पटना जंक्शन। और पटना जंक्शन पहुंचने का जो मकसद है वो इस बार काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है क्योंकि ये चीज़ सीधे पब्लिक से जुड़ी हुई है। और यहाँ पर आना इसलिए बहुत ज़रूरी था ना कि ताकि हम बता सकें उस चीज़ को कि जिस चीज़ की चाहत मैं रखता था बहुत शुरू से। तो जिस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, यानी कि पटना जंक्शन, उसके बारे में हम बाहर में सुना करते थे, बट ये बिहार में फर्स्ट टाइम है जब आपको इस तरह की कोई फैसिलिटी मिलेगी। आप बाहर के स्टेशन से आते हो, आप बाहर के जगह से आते हो और पटना आने के बाद आपको वो चीज़ मिल जाएगी जो आप तलाश रहे होते हो, और वो आपको बहुत सारी चीज़ों से बचाएगी भी। तो यही रीज़न है मैं पटना जंक्शन आने का। तो अभी चलते हैं सीधे वहाँ पर। एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें ना कि आपको कहाँ से ये सुविधा मिलने वाली है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको ये जो टिकट घर दिख रहा है और ये पटना जंक्शन का जो गेट नंबर 4 है, गेट नंबर 4 के पास जो टिकट घर है उसी के नीचे एकदम आपको वो जगह मिल जाएगी जहाँ पर अभी हम लोग चल रहे हैं। तो काफ़ी ढूंढते ढूंढते आखिरकार हम लोग यहाँ पर पहुँच गए, क्योंकि आप देख सकते हैं ट्रैवल डेस्क लिखा हुआ है। और ये ट्रैवल डेस्क जो है ना वो इंडियन रेलवे की तरफ से ही है। और यहाँ पर आने के बाद आप अपनी मनचाही गाड़ी रेंट पर ले सकते हैं, और रेंट पर ले करके आपको पटना में कहीं पर भी जाना है आप जा सकते हैं। मतलब कि साफ है कि आपको जो ऑटो और जो दूसरी गाड़ियाँ हैं वो किराए पर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सबसे बड़ी बात है और सबसे अच्छी बात है। हम लोग यहाँ से अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ प्रोसेस है, अगर आप आते हैं तो आपको किस तरह से गाड़ियाँ मिल सकती हैं और क्या कुछ आपको जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करना पड़ेगा, ये सब कुछ जानते हैं। तो हम लोग अभी आ चुके हैं ट्रैवल डेस्क के अंदर। यहाँ पर राजू सर हमारे साथ, सर नेक्स्ट मीटिंग है। और क्या कुछ है, मतलब कैसे आप लोग मैनेज कर रहे हैं? और अगर सपोज मान लीजिए कि मैं आता हूँ दिल्ली से या फिर मुंबई से पटना जंक्शन उतरता हूँ और मेरे साथ फैमिली है या फिर मैं अकेला भी हूँ, तो मुझे आप लोग किस तरह से हेल्प करें? सबसे पहले तो है कि हम लोग आप दिल्ली से चल रहे हैं, बॉम्बे से चल रहे हैं, वहीं पर ट्रेन में मेरा स्टिकर भी लगा हुआ है। अच्छा, ट्रेन में भी आपको लोग मतलब कॉन्टैक्ट वहाँ पे है? वहीं से आप हमको कॉल कर सकते हैं, मेल पर भी दे सकते हैं। जब हमको पटना से यहाँ जाना, कहीं भी जाना है, बिल्कुल हम आपको गाड़ी उसी टाइम गाड़ी का नंबर, ड्राइवर का डिटेल आपको मोबाइल पर सेंड कर देंगे। मतलब कि मेरे लिए गाड़ी तैयार रहेगी? हाँ, आपको आने के पहले गाड़ी रेडी रहेगी और किसी भी टाइम में कोई भी लेके गाड़ी जा रही है तो पूरा सुरक्षित रूप से वो जा सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, अगर मुझे ड्राइवर नहीं चाहिए तो भी आप गाड़ी देते हैं? हाँ, गाड़ी कवर भी हम लोग गाड़ी देंगे, लेकिन वो हम लोग समझ के, और मतलब कि कुछ हैपनिंग ना हो जाए इस वजह से, तो पहले गाड़ी देने से पहले जो जिस व्यक्ति को गाड़ी दी जा रही है उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल ले ली जाएगी, तभी दी जाएगी, लेकिन गाड़ी आपको मिल जाएगी पर्सनल भी। अभी यहाँ पर आपको फूल माला वाला दिख रही हो क्योंकि अभी जस्ट ही इनॉग्रेशन हुआ है इसका, 2 दिन ही हो रहे हैं अभी शुरू हुए हैं। और कौन कौन सी गाड़ी देते हैं मेरे पास? आपका डिजायर है,
स्कॉर्पियो है, इनोवा है, फॉर्चूनर है, ऑल व्हीकल हम लोग प्रोवाइड करते हैं। मतलब लग्जरी के साथ साथ एसयूवी भी आप? हाँ 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 हाँ। और जो लोग बाइक चाहते हैं हाँ उनके लिए? बाइक भी उनके लिए, स्कूटी इलेक्ट्रिक का हम लोग ये किए हैं। हाँ, स्कूटी इलेक्ट्रिक गाड़ी हम लोग उनको भी दे रहे हैं। मतलब आपको स्कूटी मिल जाएगी, आपको इलेक्ट्रिक बाइक मिल जाएगी, उससे आपका अच्छा कितने देर के लिए मिलती है और क्या उसका कॉस्ट? वो कस्टमर का जितना देर का काम रहता है उस हिसाब से हम लोग गाड़ी देते हैं। अच्छा, किसी को चार घंटे का जरूरत है तो चार घंटे के लिए देंगे, दस घंटा जितना उनके हिसाब से, और उस हिसाब से उसका कॉस्ट मिले। हाँ, उस हिसाब से कॉस्ट। अभी क्या है ना कि यार पटना में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, बरसाती वाली गर्मी पड़ रही है, मतलब एकदम एक्सट्रीम वाले ह्यूमिडिटी। अब सबसे जरूरी चीज़ रेट की बात कर लेते हैं कि आखिर पैसे कितने पे करने हैं। तो अगर आपको गाड़ियाँ रेंट पर लेनी है तो ये है जो रेट लिस्ट जो यहाँ पर मुझे दिखाया गया, इसमें आप देख सकते हैं डिज़ायर है, इंडिगो है, स्कॉर्पियो है, इनोवा है, इनोवा क्रिस्टा है। इन सभी के रेट आप देख सकते हैं 1500 rupees फॉर वन डे, यानी कि 10 घंटे के लिए। और अगर स्कॉर्पियो लेते हैं, एसयूवी में जाते हैं आप, तो 2200 to 2400 rupees आपको पे करने पड़ेंगे। और उसके बाद इनोवा लेते हैं तो आपको 2600, क्रिस्टा अगर लेते हैं आप तो उसके लिए पे करने पड़ेंगे 200 rupees एक्स्ट्रा आवर ड्यूटी चार्ज लगेगा। तो रेट बताना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, नहीं तो आप लोग बोलते कि यार प्राइस तो आपने बताया ही नहीं है। और ये इंडियन रेलवे के तहत मान्यता प्राप्त ये डेस्क बनाया गया है पटना जंक्शन पर। अगर आप आते हैं ट्रेन से और आने के बाद आपको गाड़ी चाहिए, प्राइवेट गाड़ी चाहिए जिससे आप खुद पर्सनल राइड करके जा सको, तो आप यहाँ पर आ करके अपनी गाड़ी चूज कर सकते हो और उसे रेंट पर ले सकते हैं। तो ये देख लिया आपने रेट लिस्ट। सोच रहे हो कि इस बंदे ने बाइक का रेंट तो बताया ही नहीं कि अगर कोई लड़का या लड़की या फिर जो भी यात्री अगर वो बाइक को रेंट पर लेते हैं तो उनको कितना पे करना पड़ेगा। तो 300 rupees फॉर वन डे, यानी कि 10 घंटों के लिए चार्ज किया जाएगा इलेक्ट्रिक बाइक के लिए। वो बाइक आपके लिए जो मिलेगी वो इलेक्ट्रिक बाइक होगी। आई होप कि अब आप सेटिस्फाइड होंगे कि ये वाली जो सुविधा फैसिलिटीज़ आप लोगों को मिलने जा रही है वो बहुत ही अच्छी होगी, क्योंकि ये खास करके उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होगा जो लोग बाहर रहते हैं और पटना घूमने के लिए आ रहे हैं। तो उनको अगर घूमने के लिए कोई चीज़ चाहिए और एजेंट यानी कि जो एजेंसीज होती हैं उनसे बचना है तो खुद गाड़ियों को रेंट पर लीजिए और खुद ड्राइव भी करिए, और ड्राइव करके उसको जहाँ भी घूमना है आपको आप घूमिए। अगर आपको इलेक्ट्रिक बाइक लेनी है तो आप इलेक्ट्रिक बाइक ले सकते हैं, अगर आपको एसयूवी कार कुछ भी लेना है तो आप ले सकते हैं, और ले करके सीधे आप अपने जगह पर पहुँच सकते हैं जहाँ पर आपको पहुँचना होता है। तो बहुत अच्छी चीज़, अभी हम लोग निकल रहे हैं घर से। तो भाई साहब फाइनली अभी हम लोग आ चुके हैं घर, और आपने पटना जंक्शन पर देख लिया ना क्या कुछ चल रहा था, किस तरह से हर चीज़ों को नए तरीके से सजाने की कोशिश की जा रही है। तो बिहार बदल रहा है और बिहार में फर्स्ट टाइम कुछ वैसा हो रहा है कि अगर आप बाहर से आते हैं तो आने के बाद पीछे क्या चल रहा है। अच्छा, रीधा का बर्थडे है तो उसका तैयारी चल रहा है अभी, ये सारा कुछ अभी अरेंज किया जा रहा है और रीधा का बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो अगर आप बाहर से आते हो, बाहर की स्टेट से, तो आप पटना घूमना चाहते हो, तो पटना घूमने के लिए अगर आपको गाड़ी चाहिए, पर्सनल गाड़ी चाहिए जिसमें आप खुद अपनी फैमिली के साथ, हाँ बीबी पहन लो आप अपनी गाड़ी को ले सकते हो और लेकर के अपनी फैमिली के साथ या फिर अलोन उसको ट्रैवल कर सकते हो। तो ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि आपको स्टेशन से ही वो चीज़ मिल जाएगी। मैंने सोचा कि वो दिखाना चाहिए आपको, इसलिए मैंने आपको दिखाया था। मैंने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देखा है कि बहुत सारे लोगों ने इस कॉन्टेस्ट में अपने हुनर को आजमाया है, कई लोगों ने हीरो मोटोकॉर्प्स के हुनर के हीरो में पार्टिसिपेट किया है। आपने अगर पार्टिसिपेट किया है तो उनका पेज रेगुलरली फॉलो करिए, क्योंकि क्या पता भाई कि आपकी तस्वीर उसमें आ जाए, आपकी फोटो आ जाए और आप भी झटके से फेमस हो जाओ। और पार्टिसिपेट करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर के पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। और अगर तब भी समझ में नहीं आ रहा है तो मेरा लास्ट वीडियो जरूर जाकर देखिए, यहाँ पर ऊपर आई बटन में उसका लिंक आ रहा होगा, फुल डिटेल मिल जाएगी भाई साहब आपको। तो फिर भैया देरी क्यों कर रहे हैं देरी, इतना जबरदस्त मौका है आपको बड़ा इनाम जीतने, जल्दी जाइए। और अगर अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया तो पार्टिसिपेट कर लीजिए, और अगर कर लिया है तो उनका इंस्टाग्राम और फेसबुक जरूर फॉलो करिएगा। तो आपके बर्थडे में आज क्या क्या आया है? इतना सारा चीज आ गया है। तो आज है रीधा का बर्थडे और यहाँ पर तैयारी हो चुकी है सब कुछ। रीधा अपना केक लेकर के तैयार है, रीधा गाउन पहन के सब कुछ तैयार है, और यहाँ पर सब लोग आ चुके हैं। इस साइड में पापा बैठे हैं। अरे पहले खुद ही खा लिए क्या? हाथ गंदा करे, हाथ गंदा हो जाए। थैंक यू रीधा, बर्थडे रीधा। देखो आज क्या हो रहा है,
चाचा का बर्थडे हो रहा है। अच्छा तुम्हारा बर्थडे हो गया, ये खिलाओ। तो अभी आखिरी वाला सेलिब्रेशन हो रहा है और पूरा सेलिब्रेशन हो चुका है कंप्लीट। रीता आपका बर्थडे कैसा रहा? तो इसका जो कपड़ा है ना, ड्रेस में, मेकअप में और केक में पागल है, केक में पागल एकदम। अभी क्या करते हैं ना कि ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। धन्यवाद।